पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। निम्रत, कल डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना? हाँ, 3 बजे। मैंने ऑफिस में हाफ डे के लिए बोल दिया है, मैं 2 बजे तक आ जाऊंगा। मैं मिस करता हूँ। मैं कहा हेलो। हाँ सर, हाँ सर, कैश मिल गया है, मेरे घर पर ही है, मैं कल जाके दे दूंगा सर। और तुसी चिंता ना करो सर। हाँ, कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी कल ही मिल जाएंगे, मैंने सेटिंग कर दी है सर। निम्रत, ये ऑफिस का है, कुछ इलीगल नहीं। इतना कैश लीगल होता ही नहीं है दर्श, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और तुम्हें पहली बार नहीं कर रहे हो। निम्रत, कुछ करना मत, इस डील से मेरा प्रमोशन डिसाइड होगा। निम्रत, निम्रत कुछ बोलो, निम्रत बोलोगी कुछ? निम्रत, अरे सुरेंद्र जल्दी जल्दी कर, ऑर्डर पहुंचने में लेट हो जाएगा, 10 इधर ही बज गए। जा छत्ती जाके गाड़ी में बैठ। रूपल, ओए रूपल, आई मैडम जी। कितना लेट कर देते तुम लोग रोज रोज, ये कैसे चलेगा ऐसे रूप? मैंने तो कह रही है कि मैंने किसी और को हायर कर लेना है। चलो छत्ती दीदी अंदर रख दो गाड़ी में, तू भी रख। रखो। वो मैडम जी बहुत ज्यादा खाना था और आज ना गुट्टू भी नहीं आया पराठे बनाने के लिए। रूप, तू ना बहाने बनाना बंद कर दे, समझ रहा है? बहुत लेट हो गया। और मुझे बता मिट्टा किधर है? मैडम रख देता। ठीक है सत्रियाकाल बेबे। अरे निम्रत, अरे डिम्पी, अरे डिम्पी देख कौन आया है। छतिया, मैडम जी कैसी हो? बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। अचानक से आ गई, सब चंगा तो है घर पुत्र? हाँ बेबे सब चंगा है। वो मैटरनिटी लीव शुरू हो गई ना, तो मैंने सोचा कुछ टाइम अब आप लोगों के साथ रहूं। दर्श भी ऑफिस चले जाते हैं तो घर पर बोर हो जाती हैं। दीदी, अरे चुन्नी कैसी है? मैं एकदम बढ़िया, आप कैसे हो? और चांद कैसा है? एक नंबर। चीजू, चीजू नहीं दिखाई दे रहे, आप मुझे ही बोल देते ना, मैं आ जाती आपको लेने। सत श्री अकाल निमरत जी, सब चंगा? हाँ। और वो बैठे नहीं तो अभी तक? हाँ। अच्छा मैडम जी, तो ब्रेकफास्ट पहुंचते आपको मैसेज करता हूँ। ठीक है। और 4 बजे मीटिंग है आपकी चड्डा जी से। हाँ जी, चंगा चंगा, मेरे को याद रहेगा। अच्छा चलो छेती छेती निकलो, तुम लोग जल्दी करो। जी बेटे निकाल। ये अभी तक यही रह रहा है? अरे पुत्र दूसरा किराया ढूंढ रहे, जैसे कोई मिलेगा ऐसे निकाल देंगे। तो ये सब छोड़ना, चल तू अंदर चल, आराम कर ले। अरे कैसी ड्रेस है? बहुत बंडी, तूने डिजाइन की? हाँ। ये ना, ये मैंने कल ही रात को सोचा था आइडिया। छुटकी, ये ना फैशन डिजाइनर बनने का सपना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन तू पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है ना? हाँ दीदी, पर दीदी मुझे है ना ये पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी है, सच में है, मुझे तो फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना। हाँ तो करना, कौन मना कर रहा है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर। ये फैशन डिजाइनर बीच ना बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी ना तो एटलीस्ट तू कभी भी स्विच कर पाएगी जब तेरा मन करे। देख तुझे पता है ना बेबे ने कितनी मुश्किलों नाल पाला है ना, पढ़ाया लिखाया है वो, अगर पढ़ी लिखी होती ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, और अगर पापा सही होते तो
बैठी थी। क्या हुआ, चीजू नाल कोई झगड़ा हुआ है क्या? आप चीजू का फोन नहीं उठा रही? अरे नहीं, छोड़ वो सब। ये बता, तेरा वो प्रीतम वाला इशू खत्म हुआ? इशू नहीं था दीदी, बॉयफ्रेंड था मेरा, लेकिन आपके बोलने पे मैंने ब्रेकअप कर लिया। आप खुश हो ना? भी बहुत खुश हूँ। तुझे पता है ना, वो लड़का तेरे लिए अच्छा नहीं था, इसीलिए मैंने बोला। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। तो यार, आप ना टॉपिक मत चेंज करो। ये बताओ, चीजू के साथ सच में कोई झगड़ा हुआ है? रवि भैया, दो समोसे देना। हो गई क्लास खत्म? हाँ भैया। सुना है निमरत आई है घर पे? क्या? तो फिर आप समोसे रहने दो, मैं बाद में आके ले लूँ। अरे फिर, अरे हो गया, पैके ले जा। अनमोल, अनमोल बेटा बाहर आ जा। अनमोल, I'm your husband. तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ? दर्श, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, ये सब दोबारा मत करना। मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। ये सब करते वक्त तुम्हें जेल हो जाती तो सोचा है तुमने? हाँ, तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना हमारे बच्चे की। मैं जो कुछ कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए कर रहा हूँ। तुमने जो किया ना ठीक नहीं किया, मेरा भी ठीक नहीं किया। इतनी रात को बालकनी से कौन आ रहा है? सांसें चल रही हैं। फटाफट हॉस्पिटल ले जाओ, आप लोगों ने चेक नहीं किया। जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाओ। मैडम जी चलिए, हम लोग भी चलते आइए। चल ये कौन था? ये निखिल है सर, गुरलिन जी का मैनेजर। ग्राउंड फ्लोर पर रहता है एज अ टेनेंट। हेलो, ठीक है, मुझे बताना सर। निम्न 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, हॉस्पिटल वालों से बात हो गई है, वो रेडी रहेंगे। जगजीत, सबसे पहला सवाल ये है कि किलर आया कहां से? घर के बाहर तो कोई सीढ़ी वगैरह है नहीं, तो जाहिर सी बात है कि घर के अंदर वाली सीढ़ियों से वो आया होगा। सर, ये आगे की तरफ एक बालकनी है, हो सकता है वहां से आया हो। हो सकता है कि यहाँ से चढ़ के आया हो, लेकिन अगर यहाँ से आया भी है तो इस बालकनी की ऊंचाई जमीन से कम 20-22 फीट, यहाँ तक कैसे चढ़ा? शायद किसी सीढ़ी या फिर किसी रस्सी की मदद से। जितनी बेरहमी से मारा है, मारते वक्त आवाज तो हुई होगी, शोर तो मचा। ओए वीर, अभी तक तुम रेडी नहीं हुए, स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा कोई गल नहीं, तुम आराम करो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन कर देना, ठीक है? बाय। बाय अंकल।
बेटा अंकल नहीं, पापा बोल। बोल पापा। हेलो। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।